हेलो बच्चों, हमने इससे पहले लेक्चर में आपको रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ा दिए थे। अब इस लेक्चर में हम आपको आज पढ़ाएंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। अब एटॉमिक मास यूनिट है क्या? आप बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये है क्या। तो आज आप मेरे हिसाब से पढ़ना तो इसमें आपका कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आपका ये टॉपिक आज एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पता करता हूँ कि जो बड़ी मात्रा में होती है या बड़ी क्वांटिटी होती है उन्हें कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो सर उन्हें मेजर करते हैं ग्राम से लेके फिर किलोग्राम में, फिर क्विंटल में, फिर टन में, ऐसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एटम का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? एटम का द्रव्यमान निकालेंगे। देखो पॉइंट समझो, एटम का द्रव्यमान मतलब एटम का मास निकालेंगे। क्लियर है? तो जैसे वहाँ पर यूनिट बनी है किलोग्राम टन, उनकी हमारे पास यूनिट है, ऐसे ही एटम का मास की जो यूनिट होगी वो AMU होगी, एटॉमिक मास यूनिट होगी। इतना क्लियर हो गया है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम है ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान की यूनिट AMU होगी, एटॉमिक मास यूनिट। अब सवाल है सर ये AMU है क्या? तो देखो मतलब एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, उन्होंने एक एटम का रेस्पेक्ट लिया कि भाई इस एटम के रेस्पेक्ट में इन दो जो दूसरे एटम हैं उनका वेट कितना होगा वो निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने आपका एटम लिया हाइड्रोजन, उसके रेस्पेक्ट में निकाला, फिर किसी कारणवश उसे छोड़ दिया गया, फिर उन्होंने उसके बाद दूसरा एटम लिया ऑक्सीजन, उसको भी छोड़ दिया गया। अब जो फाइनल उनका डिसाइड होता है वो होता है कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम। अब हम क्या मान के चलते हैं, आपका जो हेडिंग है, हमारे पास ये हेडिंग है आपका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान, सिंपल। किसका रेस्पेक्ट लेते हैं? रेस्पेक्ट लिया हमने कार्बन 12 समस्थानिक, आइसोटोप्स। अब जिन बच्चों को आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता है, अभी सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री में, वहाँ इसके बारे में बात करेंगे। उन्हें क्या माना कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान जो भी है वही 12 गुणा AMU के बराबर है। इतना क्लियर? ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से कि 1 AMU किसके बराबर है। देखो इसको इधर उठा के रखते हैं हमारे पास, इसको इधर देखो, इसके बटन में ले जाओ, तो यहाँ 1 AMU आपका बराबर हो जाएगा 1/12 इंटू C12 के एक एटम का द्रव्यमान। अब स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास एक एटम का मास निकालने की टेक्निक नहीं थी हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ती गई तो हमारे पास एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस टेक्निक की मदद से हमने कार्बन 12 के एक एटम का मास कैलकुलेट किया, जो हमारे पास निकल कर आता है 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम, इतना निकल के हमारे पास आता है। जब इस संख्या को भाग देते हैं तो 1 AMU जो आपका निकल के आएगा 1.66056 इंटू 10^-24 ग्राम। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि 1 AMU ग्राम में किसके बराबर है। तो 1 AMU 1.66056 10^-24 ग्राम के बराबर है। क्लियर है? हमारे पास 1 AMU का मान किसके बराबर आता है, 1 AMU हमारे पास आता है 1.66056 इंटू 10^-24 ग्राम, यह आया ग्राम में। अब क्या करना है, जिस भी परमाणु का द्रव्यमान AMU में निकालना है उसे इस संख्या से आपको भाग देनी होगी। ठीक है, क्लियर? जिस भी एटम का आपको मान निकालना है AMU में, ग्राम में नहीं भाई, AMU में मान निकालना है, क्या करना पड़ेगा आपको, इस संख्या से उस एटम के द्रव्यमान को भाग देनी होगी। क्लियर? एक बात आप वो थोड़ी सीख लो यहाँ पर कि AMU आपका U के बराबर है। U का मतलब यहाँ पर होता है यूनिफाइड मास। अब U का इस्तेमाल हम कब करेंगे, देखो सिंगल एटम का मास निकालना हो या सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यू का।
एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो या सिंगल एटम का मास निकालना हो तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं यू का। यू किसके बराबर है? एम यू के बराबर है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, सर यहाँ यू लिखा है या एम यू लिखा है, आपको समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर यू लिखा है तो वो एक मॉलिक्यूल की बात करेगा या एक एटम की बात करेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो, हमें निकालना है हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, मतलब सॉरी हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है ग्राम में। अब एएमयू के रूप में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इससे भाग देंगे। हमने वो कहा, वही काम यहाँ पर क्या है कि इसके ग्राम वाली संख्या को इससे डिवाइड किया है, तुम्हारे पास ये आता है 1.0078 यू लिखा जाएगा यहाँ पर। क्यों? हमारे पास सिंगल एटम है हाइड्रोजन, क्या लिखा जाएगा? यू लिखा जाएगा। क्लियर है? तुम्हारे पास ये आता है, इसको हम जनरली जब सवाल सोल्व करते हैं तो 1 मानकर सोल्व करेंगे, 1 लिखते हैं जनरली। ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान इतना होता है ग्राम में। अब हमें निकालना है कि एमयू में कितना होगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो एमयू के रूप में ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान, हमने इस संख्या को ऊपर लिखा है, इससे भाग दिए, तुम्हारे पास ये आता है 15.995। इसको हम लगभग लगभग 16 यू के बराबर मानते हैं। अब यू आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि एक एटम की, सिंगल एटम की बात हो रही है। आगे निकालना। अब क्या होता है कि नेचर में या हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जितने भी एटम हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनका एक रूप नहीं है, वो एक से अधिक रूप में मिलते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, 14 में मिलेगा, 15 में मिलेगा और 16 में मिलता है। ऐसे हमारे पास कार्बन है, 12 मिलता है, 12 में, 13 में, 14 मिलता है। तो इन केस में क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास एक से अधिक एटम के रूप होते हैं तो वहाँ निकालते हैं औसत। क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। और मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री के अंदर एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। क्लियर है? अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आता है कि कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका बहुत सिंपल तरीका आपको बता देता हूं मैं, ठीक है? मेरे पास होता है औसत परमाणु द्रव्यमान, मान लो मेरे पास कोई एक एटम है, उसके तीन रूप है, वो 12 में, ए 12 में है, और कितना मिलता है नेचर के अंदर, वो मिलता है 85% हमको मिलता है। उसी का दूसरा रूप 13 में और मिलता है 10%, उसी का तीसरा रूप 14 में और मिलता है 5%। इवन यहाँ पर नंबर डाल दिया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब कैसे निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास, तो बहुत सिंपल तरीका आपको ऐसे निकालना है कि पहले की रखेंगे परसेंटेज इंटू उसका एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा है वो इधर लिख देंगे आप, प्लस दूसरे की परसेंटेज इंटू उसका एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा है, प्लस तीसरे की परसेंटेज उसका एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा है, इन बटन क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर एक क्वेश्चन नीट के अंदर आया था, मैं आपको क्वेश्चन अभी का देता हूँ। ये सवाल 2008 में आया था। क्या क्वेश्चन था? एक तत्व एक्स का समस्थानिक संगठन निम्न है, एक्स 90%, 8%, 2%, भार की दृष्टि से प्राकृतिक रूप से प्राप्त एक्स तत्व की क्या पता क्या गया आपसे, औसत परमाणु द्रव्यमान, ये एवरेज एटॉमिक मास निम्न में से किसके निकटतम होगी। क्लियर है? तुम्हारे पास क्या था फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का? हमारे पास फॉर्मूला था कि परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास फर्स्ट वाले का, प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास कौन से वाले का भाई, सेकंड वाले का, प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास कौन से वाले का, थर्ड वाले का, अपॉन में कितना था, अपॉन में 100 था। क्लियर? अब इनके मान रख देते हैं फटाफट, कितनी परसेंटेज है यहाँ पर 90%, मास कितना है इसका 200, प्लस कितनी परसेंटेज है 8%, मास कितना है 199, प्लस दूसरा कितना हमारे पास है
तीसरा कितना है 2% इंटू कितना 202 अपॉन कितना करते हैं बटन कर देते हैं 100। इनको आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। तो बचती है गुणा भाग, स्टार्ट करते हैं 9 दूनी 18 1800 ये हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा 1592 प्लस कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा अपॉन कितना बटे में 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे सब कुछ आप मान जोड़ देंगे यहाँ पर आप कि जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर 199.96 के आसपास आएगा। कितना आएगा 199.96 AMU के बराबर आएगा, AMU के बराबर आएगा ठीक है 199.96 के बराबर आए। अब करना क्या आपको आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे राउंडिंग ऑफ, सार्थक अंक का यूज करेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे इसको छोड़ देंगे तो लगभग आपका ये 200 AMU के बराबर बैठेगा। किसके बराबर बैठेगा भाई 200 AMU के बराबर बैठेगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, गुणा भाग आप आराम से सीख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास। अच्छा अब आप मुझे बात बताओ बनता कैसे है मॉलिक्यूल? सर जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तब बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बन जाता है एलिमेंट्स। क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल से बन जाता है एलिमेंट्स। अब देखो आप इसकी परिभाषा क्या लिखा है साफ साफ, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, अणु का मॉलिक्यूलर मास उसमें उपस्थित विभिन्न या डिफरेंट तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है भाई? किसी अणु का मॉलिक्यूलर मास उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे मैं आपको सिखा देते हैं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। हमारे पास एक मॉलिक्यूल H2O का है, कौन सा है H2O का, तो हम क्या करते हैं देखो H का आपके सामने अभी निकाला था हमने, उसको हम एक मान के चलेंगे और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया है 2 हो गया है हाइड्रोजन का। बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसका हमने निकाला था 16 ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो आप तो कितना आ जाएगा 16 2 18। वो आपकी मर्जी है यहाँ पर AMU लिखो या U लिखो, क्यों? क्योंकि केवल ये एक मॉलिक्यूल का निकाला हमने, 18 AMU लिखो या U लिखो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आप और देख लो, जो हमारे पास मान लो अमोनिया है NH3 है ठीक है भाई NH3 है, N का हमारे पास होता है 14, इसका कितना होता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, और एक H का एक 3 का 3 हो जाएगा तो 14 + 3 कितना हो गया है 17। अब यहाँ पर U लिखो या लिखो AMU। जैसे बात कर लेते हैं ग्लूकोज की, बात कर लेते हैं C6H12O6, इसकी बात कर लेते हैं कि इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, तो एक कार्बन का 12 होता है तो 6 × 12, एक H का 1 होता है ऊपर लिखा है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और एक O का होता है 16 तो 6 × 16 तो 12 × 72 + 12 = 96, तो आपका आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल की बात करी मैंने, एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 180 AMU होगा या क्या होगा भाई लोगों U होगा। मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोल। अभी मैं आपको मोल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है मोलर मास। मुझे क्या पढ़ाना है? मुझे मोलर मास पढ़ाना है। मोल का जो पूरी डिटेल आएगी वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मोल के बारे में हिंट दे देता हूँ। जब हम आपसे पता करते हैं कि आपके पास एक पेयर है या जोड़ा है, तो जोड़े में संख्या कितनी होती है? सर आप बताएंगे 2 होती है जो प्रचलित है। हमने कहा आपके पास एक दर्जन, कितना है दर्जन, जैसे नाम आया डजन का या दर्जन का, आप तुरंत समझ जाएंगे संख्या 12 है। संख्या कितनी है 12 है। तो ऐसे ही मोल कहीं भी लिखा मिल जाए, मोल कहीं भी आपको लिखा मिल जाए,
इसके अंदर संख्या होती है 6.023 × 10³। जैसे पेयर में 2, डजन में 12, ऐसे ही कहीं भी लिखा मिल जाए 1 मोल, तो उसमें संख्या होगी 6.023 × 10³। इतनी संख्या होगी। जैसे आपसे बात करता हूँ कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, तो आप समझ गए होंगे कि मेरे पास एच के कितने एटम हैं, तो 6.023 × 10³ हाइड्रोजन के मेरे पास एटम है। मैंने बोल दिया कि मेरे पास 1 मोल H2O, मेरे पास क्या है, 1 मोल H2O के मॉलिक्यूल है। तो ये कितने होंगे भाई लोगों, आपके पास ये 6.023 × 10³ H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो मोल समझ में आ गया, अभी इसको निकालना भी आपको आगे सिखाएंगे कैसे निकालते हैं मोल को। अभी केवल आप इतना सीख लो, कहीं भी ऐसा लिखा मतलब आपके पास 1 मोल मार्कर है तो कितने मार्कर होंगे, इतनी संख्या आपके पास मार्कर की होगी। तो ये फंडा क्लियर हो रहा है आपके पास। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल रुपए है तो मेरे पास इतने रुपया होंगे, जैसे ही मोल लगता है उसी के साथ हमारे पास ये संख्या जुड़ जाती है। और इसी संख्या का दूसरा नाम होता है अवोगाद्रो संख्या। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन और बीच में ए से, एन ए से। अब इसके बारे में बाद में करेंगे। अब हमें निकालना है मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल, आपके पास 1 मोल है, उसको ग्राम में व्यक्त कर दो आप, उसको बोल देंगे उसका मोलर मास। ये लिखा मैंने यहाँ पर, किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान। क्लियर है। अब आपको निकालना है मोलर मास। तो बहुत अच्छी बात आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर हमारे पास वाटर लिखा है, H2O लिखा है, तो इसका मोलर मास, इसका 1 मोल का जो मास होगा वो आपका होता है 18 ग्राम पर मोल। अब आपने पहले भी देखा था, ये आपने ये पहले भी देखा था, ठीक है। अब आपके पास मान लो अमोनिया है, अमोनिया आपके पास 1 मोल है, तो 1 मोल का मास कितना होगा, 17 ग्राम पर मोल। आपके पास ग्लूकोज का 1 मोल है, C6H12O6, ये 1 मोल है आपके पास, तो इसका मास हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। क्लियर। अब जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वो आसानी कर देगी बहुत ज़्यादा। जैसे हमने कहा आपके पास जो मोलर मास है, मोलर मास और मोलिकुलर मास, और मोलिक एटॉमिक मास, ये तीनों बराबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं हमारे पास, ये बराबर होते हैं, बस डिफरेंट क्या है, ये मेजर होगा ग्राम पर मोल में और ये मेजर होगा एमयू में या यू में। ये भी सेम कहानी है, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा यू में। मोलर मास, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, ये सिंपल आपके पास हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे करना है, इनको याद कैसे करना है। देखो आपके पास आवर सारणी के अंदर 1 से लेके लास्ट तक एलिमेंट है, ठीक है। अब उनको आपको उनका एटॉमिक नंबर याद होगा, तो हम करते क्या है, एच को छोड़ देते हैं, उसके बाद मान लो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसका डबल कर देते हैं 4। आपके पास लिथियम है तो एटॉमिक नंबर कितना है, उसका नंबर हमारे पास 3 है, उसका डबल कर दो 6, ठीक है। तो आपके ये धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, आप सवाल सोल्व करेंगे तो आपके ये सोल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पूरा मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।